लेड एसिड सेल में स्पंजी लेड खालिस्तान सक्रिय पदार्थ बनाता है तो ये नकारात्मक सक्रिय पदार्थ बनाता है। अगला प्रश्न, किस प्राथमिक सेल में सबसे अधिक वोल्टेज होता है? उत्तर लिथियम। अगला प्रश्न, डिस्चार्ज करने के दौरान क्या हुआ होता है? अगला उत्तर है एनोड और कैथोड दोनों PbSO4 बन जाते हैं, H2SO4 का विशिष्ट घुलता बढ़ जाता है और सेल का वोल्टेज घट जाता है। अगला प्रश्न, एक सेल की खालिस्तान एम्पेयर में करंट के उत्पाद और घंटों के समय के दौरान दिया जाता है जिसके दौरान सेल अपने EMF तक करंट की आपूर्ति कर सकता है। उत्तर क्षमता है। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय अमल को किसमें डाला जाता है? जल में डाला जाता है। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल के एम्पेयर घंटे दक्षता सामान्य रूप से किसके बीच होती है? तो यह होती है 90 से 95% के बीच। अगला प्रश्न, प्लेटों को खालिस्तान न केवल आंतरिक प्रतिरोध को कम करता है बल्कि इसके अंदर एक सेल की क्षमता को भी बढ़ाता रहता है, तो यह होता है इंटरलेसिंग। अगला प्रश्न, वायुयान में किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है शुष्क सेल बैटरी का उपयोग। प्रश्न, किसी इलेक्ट्रोलाइट को विघटित करने के लिए आवेश न्यूनतम वोल्टेज को उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसी वोल्टेज कहा जाता है? उत्तर, अपघटन वोल्टेज। अगला प्रश्न, एक सेल के कार्य करने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक हो जाती है? उत्तर, अलग अलग मेटा के दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डाले जाने चाहिए, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोड में से एक रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट तरल या पेस्ट का संचालन करना चाहिए। अगला प्रश्न, चार्जिंग के दौरान क्या होता है? उत्तर, वोल्टेज में वृद्धि होती है, सेल द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती है, H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है, एनोड चॉकलेट ब्राउन रंग हो जाता है और कैथोड ग्रे मेटेलिक लेड बन जाता है। अगला प्रश्न है, लेड परऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है गहरा भूरा। अगला प्रश्न, किस प्राथमिक सेल का वोल्टेज सबसे कम होता है? तो ये होता है पारे का। और अगला प्रश्न है, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या नहीं होता है? तो डिस्चार्जिंग के दौरान सेल ऊर्जा का अवशोषण करती है। प्रश्न, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्य पदार्थ को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश को किसके स्थिरांक के रूप में जाना जाता है? उत्तर, फैराडे के। अगला प्रश्न है, सेल का शॉर्ट सर्किटिंग किसके कारण हो सकता है? उत्तर, प्लेटों का बकलिंग, दोषपूर्ण विभाजक, सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों के बीच सर्किट बनने वाले शीशे के कारण, तल छटका आदि के संशय। अगला प्रश्न है, सेल के वे पदार्थ जो रासायनिक संयोजन में सक्रिय भाग लेते हैं इसलिए चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान बिजली उत्पन्न करते हैं, कैसे पदार्थ हैं? तो वह होते हैं सक्रिय पदार्थ। अगला प्रश्न है, विरोधी EMF जो दो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट द्वारा गैसीय आयनों के अवशोषण के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस या खालिस्तान के विपरीत EMF के रूप में जाना जाता है? उत्तर, ध्रुवीकरण के विपरीत EMF के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक बैटरी कवर के तत्व के ऊपर रखा जाता है और बैटरी कंटेनर कैसे स्पर्शील कर दिया जाता है, यह क्यों किया जाता है? उत्तर, उपरोक्त दोनों कार्यों को डिस्चार्ज करने के लिए। अगला प्रश्न, एक लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर, 3 भाग H2O, 1 भाग H2SO4 का। प्रश्न, एक डेड स्टोरेज बैटरी को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है? उत्तर, बैटरी को एक उच्च एम्पीयर चार्जर से कनेक्ट करके। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन के किसके दूसरे नियम में कहा गया कि विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों के आयन का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यकायी भार के समानुपाती होता है? उत्तर, फैराडे का। अगला प्रश्न, ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का गुरुत्व किससे ऊपर रखा जाता है? उत्तर, 1.225 से। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता किसके कारण कम होती है? उत्तर, उच्च आंतरिक प्रतिरोध के कारण। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार MZiT हाँ या ना? उत्तर, हाँ। अगला प्रश्न, सल्फेट युक्त बैटरी को उच्च दर पर चार्ज करने पर क्या परिणाम होता है? उत्तर, गैसिंग के कारण इलेक्ट्रोलाइट का उबलना, प्लेटों का मुड़ना, सेपरेट्स का नुकसान, सेल कैप कवर और अत्यधिक तापमान के कारण बैटरी केस। अगला प्रश्न, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में किस में मदद मिलती है? तो इससे फ्रेश और फुल चार्ज रखने में मदद मिलती है।